परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की माता कमलकांत बत्रा का बुधवार को निधन हो गया। 70 वर्षीय कमलकांत बत्रा ने अपने बंदला स्थित निवास स्थान पर अंतिम सांस ली। जानकारी के अनुसार उनको घर पर दिल का दौरा पड़ा और उनको एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कमलकांत बत्रा का अंतिम संस्कार पालमपुर स्थित शमशान घाट पर किया गया। कमलकांत बत्रा शिक्षा विभाग से बतौर अध्यापिका सेवानिवृत्त हुई थी। उनकी शादी 1971 में गिरदारी लाल बत्रा से हुई थी, जो कि स्वयं भी बतौर शिक्षक सेवाएं प्रदान कर रही थी। कमलकांत बत्रा 2 पुत्रों और 2 बेटियों की मां बनी। विक्रम बत्रा और विशाल बत्रा के रूप में 2 जुड़वा बेटी 1974 में हुए थे, जबकि उनकी 2 बेटियां सीमा और नूतन है। सबसे बड़े बेटे विक्रम बत्रा सेना में नौकरी देते हुए शहीद हुए थे। 1999 में कारगिल युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत सर्वोच्च सेना सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया था। कमलकांत बत्रा के छोटे पुत्र विशाल बत्रा चंडीगढ़ में सेवारत हैं। कमलकांत बत्रा ने राजनीति में भी कदम रखा था और 2014 में आम आदमी पार्टी की टिकट पर हमीरपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हालांकि वो सांसद नहीं बन पाई थी। आज उनकी बेटी सीमा ने कहा कि उनके लिए गौरव की बात है कि उनकी माता ने किसी को जाने से पहले किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं दिया और जाने से पहले उन्होंने अपने इलाज के लिए मंडी जाना था, लेकिन दोपहर को अचानक उनकी हृदय गति रुक गई और उनका निधन हो गया। नहीं, इतना बीमार तो नहीं थे, बस नीज की प्रॉब्लम थी और वो मंडी आ रहे थे चेकअप करवाने। थोड़ी देर में निकलना ही था उनको, पर लंच के बाद, लंच गर्म कर रहे थे और बस वहाँ पे गिरे और एट द स्पॉट शी डाइड। क्या कारण रहा है? मे बी कार्डियक अरेस्ट, वैसे वो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बता रहे थे। कितनी उम्र थी उनकी? 77 प्लस। और क्या जॉब करते थे? हाँ जी, वो टीचर थे। आज सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई हो रही है, किस तरह की? हम प्राउड फील करते हैं कि हमारी मम्मी की जर्नी इतनी अच्छी रही और वो गए भी तो किसी को उन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, बहुत पीसफुली चले गए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पालमपुर से मैं नांकुल की रिपोर्ट।